A very interesting event was organized by FIDE. It was called the Intercontinental Championships for Prisoners. And the team from India, the Yerwada prison, finished third and won the bronze medal. So the first place went to the Philippines, second to Colombia, and third to India. Here are some of the pictures that I can show you. This is how the prisoners were practicing here. This is one of the pictures outside the Yerwada jail. This one over here is with the police officers and also the members of the team. And also you can see here the coach of the team, Ketan Khaire, along with Grandmaster Abhijit Kunte. So this was a very, very unique initiative that was taken. It happened online. So the prisoners were playing inside a room on their computer screens. And also, in the end, India managed to win a bronze medal. So a very interesting initiative. Also in India, there was a championship that was held for the 20 prisons. This was done by Indian Oil along with AICF. So to understand all of this better and how it took place, I have with me the coach of the team, Ketan Khaire, who is a strong chess player and also a well-known trainer. Ketan, huge congratulations to the team for finishing third. I think this must be one of the most unique projects that you would have handled in your chess career. Yes, 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 of course. once in a lifetime, bol sakte. So, kaisa tha, matlab, how was your experience? It was amazing. Matlab, actually, jail mein jana hi amazing hai. Aise normal circumstances mein hum log nahi ja sakte. So, वो मैं रोज जाके आ रहा था, मतलब सुबह जा रहा था और शाम को आ रहा था. वो एक अचीवमेंट ही है मेरे लिए. you used to spend like around 5 days a week, ऐसे आप दो घंटा हर दिन जाते थे और सिखाते थे? Yes, yes. That सोमवार से शुक्रवार और सैटरडे संडे ऑफ था. अच्छा, so how many like कितने दिन ये कितने महीने तक this, when did it start? लास्ट नवंबर अराउंड दशहरा फेस्टिवल, उसके बाद शुरू हुआ एक्चुअली. ओके, लेकिन उस टाइम खाली एक महीना या महीने का सेशन था, ट्रेनिंग सेशन दिया था, और उस टाइम कैरम और वॉलीबॉल वो भी चालू था वहाँ. इट्स इनिशिएटिव फ्रॉम बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नोन एज अ परिवर्तन, प्रिजन टू प्राइड. तो जो वन टाइम क्राइम करने वाले, मतलब थोड़ा सा सिचुएशन ऐसा है कि हम लोग जो देखते हैं जेल में, मतलब आपका और मेरा जो लुकआउट रहता है वो सेम ही रहेगा शायद, लेकिन अभी मेरा बदल गया है. वो कैसे बदला है कि अभी येरवडा जेल जो है उसमें टोटल आज के घड़ी में 7,000 कैदी है, इन इन प्रिजन प्रिजनर्स है. okay. उसमें से 280 लेडीज है, उनका प्रिजन अलग है. और जेल जेंट्स का जो है मेल सेक्शन, उसमें लगभग 6,700 तक के प्रिजनर्स है. तो उसमें से हार्डली 20% प्रिजनर्स आर लाइक प्रोफेशनल क्रिमिनल्स. मतलब ये जानकारी उन्होंने, वहां के ऑफिसर्स जेलर्स थे, उन्होंने ही दी थी मुझे कि मतलब हार्डली 2,000 जो कहते रहेंगे, 2,500 वो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स रहेंगे. ये उनको प्रिजन में जाके कुछ नहीं लगेगा, वो वहां पे जाएंगे, जो भी उनका सजा है वो काट के वापिस आएंगे, वापिस गुना करके जाएंगे. ऐसे बाकी के जो बचे हुए 5,000 लोग हैं वो वन टाइम प्रिजनर, वन टाइम क्रिमिनल्स है. मतलब अनजाने में या फिर जोश में आके या फिर कुछ अचानक से उनके हाथ से हादसा हुआ है. ज्यादातर ऐसे ही लोग वहां पे है और उनको सिखाने के लिए हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स है वो उनको वो अलाउ नहीं करते, वो उनको बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी रहती है, उनको बाहर निकलने भी नहीं. लेकिन जो ऐसे वन टाइमर है और जो अच्छे उनको लगता है, मतलब प्रशासन को, कि ये अच्छे बन रहे हैं,
उनको कई सारी फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल रहती अच्छा है। इनफैक्ट उनको पगार भी दिया जाता है, मतलब काम करने का। वहां पे हर कोई काम कर सकता है, उसका उनको मेहनताना भी दिया जाता है। तो वहां पे इनसाइड महिंद्रा जैसी कंपनीज भी है, उनमें भी वो प्रिजनर्स काम करते। अच्छा तो पहले जो मतलब मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था कि जेल और वहां के कैदी या बंदी, वो एकदम मैनेज हो गया। अभी ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। मतलब हम लोग पहले जब शुरू किया था तो उनसे बात करना है कि नहीं करना है, यहां से शुरुआत हुई थी कि इसका नेचर क्या होगा, कौन किसने क्या किया है। ये भी मतलब उनसे बात करने अलाउड ही नहीं था कि आप जाओ सिखाओ और अंदर बाहर आ जाओ, इतना ही बोला गया था। लेकिन अभी उस टाइम 1 महीने में तो ज्यादा बात हुई नहीं। फिर नेक्स्ट सेशन जो शुरू हुआ वो मार्च जून से शुरू हुआ, इस 1 जून से। तो फिर उस ये जो 4 लास्ट 4.5 मंथ्स है, उसमें कई सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन हुए और कई सारी अच्छी खराब सब, मतलब हर तरह की बातों का पता चला और एक व्यू ब्रॉड होने में काफी फायदा हुआ उस। अमेजिंग। आपके हिसाब से जब आप गए वहाँ पे और फिर चेस सिखाया, तो उससे जो जो ये प्रोजेक्ट का नाम था परिवर्तन, ये आपको लगा ये हुआ उनके लाइफ में? लाइक चेस मैं खुद कंसिडर करता हूँ इज़ अ वेरी पावरफुल सोशल टूल, यस तो बट यू एक्चुअली यूज्ड इट, आपने वो उधर एक्शन में डाला, तो आपको क्या चेंज नज़र आया? एक्चुअली सिंपल है। अभी हमारे कई सारे से प्लेयर्स है तो कोचिंग कर रहे हैं, तो मेरे साथ सागर मोहिते करके मेरा स्टूडेंट है, वो भी वहां पे असिस्टेंट कर कोच करके आ रहा था। मतलब जब मुझे टाइम नहीं मिलता उस टाइम वो जा रहा था, और स्पेशली उसको एंड गेम सिखाने के लिए बोला था मैंने। तो वो हार्डली 25 ईयर्स ओल्ड है और वो प्रोफेशनल चेस कोचिंग कर रहा है। तो उसका एग्जाम्पल मैं सब इनमेट्स को दे रहा था, मतलब कई बार दिया। तो शुरू में उनका अप्रोच ऐसा कुछ लाइट था कि सागर मतलब चेस कोचिंग से कुछ अर्निंग हो सकता है, उनको विश्वास नहीं था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, मतलब अभी जो सिचुएशन है उसमें मे बी वो, हम लोगों ने टोटल 20 इनमेट्स को ट्रेनिंग दिया, उसमें से 6 लोगों को सिलेक्ट किया टूर्नामेंट। तो पिछले 2 महीने से हम लोग उन 6 लोगों पे ही मेहनत ले रहे थे। तो अभी 6 में से लगभग 4 लोग अभी शायद 1-2 साल में छूटने वाले हैं। तो उनके दिमाग में बाहर जाके चेस ट्रेनिंग करके, मतलब चेस कोच बन के क्या नई शुरुआत करने का इरादा है वाह, इतना तो मैं कर चुका अमेजिंग अमेजिंग। एंड ये जो सारे दैट इज प्लेयर थे, उनका मतलब लेवल ऐसे आपके हिसाब से कहाँ से शुरू किया और कहाँ पहुँच गए वो? एक्चुअली क्या है। ठीक, अभी प्रिजनर्स बोले तो थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम हुआ, मतलब वहां कोई एरा गैरा तो जाएगा नहीं, स्पेशल स्किल्स चाहिए, वो कैसे भी होने थे अच्छा तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वहां पे जो लोग देखे मैंने वो बहुत ज्यादा शार्प है। और लिटरली मतलब अभी हम लोग विदिन गणपति फेस्टिवल गए थे, बाद में नवरात्रि भी हो गया, फिर लास्ट टाइम दिवाली भी था। तो वहां पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, वहां पे कुछ लेना देना अलाउड ही नहीं है। तो उठा रहता ना, मतलब बॉक्सेस, कोरोगेटेड शीट्स के बॉक्सेस, उसमें से उन्होंने इतना बढ़िया डेकोरेशन किया था, मुझे देखने को मिला नहीं, लेकिन बाकी लोगों से मतलब जेलर और बाकी लोग बोल रहे थे फोर्ड किया था उन्होंने। कुछ भी नहीं किया उनके पास मटेरियल, खाली वो वेस्ट वेस्ट ऑफ वेस्ट बोलते हैं, अच्छा लेकिन एकदम बिट तो दिख रहा था ऐसे, मतलब इन शॉर्ट बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग वहां पे है, तो खाली गलत तरीके से टैलेंट इस्तेमाल कर रहे थे। उसमें से 20 लोग मुझे मिले, तो शुरू वो पहले से ही खेल रहे थे,
ऐसा नहीं है कि मैंने जाके उनको एबीसीडी सिखाया, लेकिन उनको रूल्स मालूम नहीं थे। मतलब वो पुराने, हम लोग जब नए नए शुरू करते हैं तो 16 मूव्स में कौन एक चेकिंग एक एक कदम ही चलता है, वो सब रूल्स। कौन एक घर ही चलाना है या किंग से मारना नहीं है, चेक होना है, चेक रहेगा तो ही मारेंगे, या करेक्ट, फिर एन परसेंट मालूम नहीं था। तो ऐसे बेसिक रूल्स मालूम नहीं थे, इवन दे डोंट नो अबाउट द मार्क्स। मतलब हाथी को 5 मार्क रहते हैं, या फिर नाइट बिशप 3 मार्क से खेला जाता है वगैरह। तो ये बेसिक चीजें पहले तो सिखा दी मैंने, मतलब हाउ टू मूव एंड हाउ टू नोट द गेम। ये एक मेजर टास्क था, क्योंकि उसमें से कई सारे लोगों को पढ़ना नहीं आता था। मतलब 20 में से कम एक 6-7 लोग ऐसे थे कि उनको एकदम पढ़ना लिखना ही नहीं आता था, ऐसा बोल सकते। एक अबकड़, मतलब इंग्लिश तो किसी को बहुत कम लोगों को मालूम था। उसमें एजुकेटेड भी थे, मतलब डबल ग्रेजुएट या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी था एक। मतलब वैरायटी दी थी मुझे सिखाने के लिए, और काफी अच्छा लगा। बाद में फिर फर्स्ट मंथ में बेसिक क्या बोल सकते हैं, बेसिक मिडल गेम नॉलेज या फिर ओपनिंग नॉलेज दे दिया, और एंड गेम का पूरा ब्रीफिंग करना पड़ा। मतलब क्या सिंगल पॉन से कैसे ड्रॉ करना है, वो कर रहे थे, लेकिन टेक्निकली ड्रॉ ही होता है सिंगल, मतलब किंग वर्सेस सिंगल पॉन वगैरह। तो फिर अपोजिशन, ट्रायंगुलेशन, जो भी एंड गेम की बेसिक चीजें है, रुक पॉन एंड गेम, पिलिडॉर्स ड्रॉ या फिर लुसेना पोजिशन वगैरह, वो सब ब्रीफ में सिखा दिया हम लोगों ने। और पूरा एंड गेम पे ही फोकस था हमारा, क्योंकि तब एक्चुअली मालूम नहीं था कि मतलब अभिजीत ने बोला था मुझे कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट होने वाला है, लेकिन 1 महीने में कुछ पॉसिबल नहीं था वो। मतलब मैं लास्ट साल की बात बोल रहा हूँ, अराउंड नवंबर, लेकिन जून से जो स्टार्ट हुआ ना, तो उस टाइम स्पेसिफिकली मुझे बोला था अभिजीत ने कि अभी इनका टूर्नामेंट होने वाला है, और उस हिसाब से आपको सबको ट्रेन करना है। तो फिर हम लोगों ने मतलब मिडिल गेम और ओपनिंग के बेसिक्स इस पे फोकस किया, लेकिन जो फर्स्ट मंथ था उसमें हम लोगों ने एंड गेम क्यों फोकस किया, क्योंकि चेस सिखाना मतलब जैसे समुन्द्र में तैरना जैसा है, तो क्या सिखाएंगे और कैसे सिखाएंगे। उसमें से सबसे आसान सिखाने की जो सीख सकता है कोई भी चेस प्लेयर, वो एंड गेम है। ज्यादा वेरिएशंस नहीं रहते, या फिर वेरिएशंस रहेंगे तो भी समझ में आते हैं, इसलिए एंड गेम पे फोकस किया था। और बाकी जो था वो ओल्ड क्लासिक्स तो थे ही, उसमें से बहुत अच्छा मतलब गेम कैसा खेलना है वो बहुत अच्छी तरह से पता चलता है, और उन्होंने वो भी बहुत अच्छा एंजॉय किया। करेक्ट, आपने मुझे एक दो ओल्ड क्लासिक्स भेजे थे, तो क्या हम एक देख सकते हैं जो आपने उधर सिखाया? बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लासिक्स तो देखे हैं, पर इसमें से जो पहला आपने भेजा था रॉड सिंस की वर्सेस एलेकाइन, ये मैंने यस खुद नहीं देखा है ये वाला गेम। सो मैं ये गेम देख के बहुत ही चौंक गया था कि इतना सुंदर गेम ये हुआ था। सिंपल गेम है वो। जिस तरह से मतलब आपने उधर सिखाया, शायद अपन यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं। ये गेम आपको क्यों पसंद है? ये एक्चुअली 11 मूव का कॉम्बिनेशन, अभी ये ओपनिंग थियरी है या क्या है मालूम नहीं, लेकिन 1912 में शायद, 1913, हाँ हाँ 13, तो उस वक्त का गेम है, तो ओपनिंग तो बिल्कुल नहीं हुआ रहेगा। तो अभी C3 करने के बाद व्हाइट का आइडिया क्लियर है कि क्वीन B3 वगैरह आके F7 और B7 अटैक करेगा, तो फिर भी ब्लैक बिशप G4 खेलता है, वो इसमें बहुत एक ब्यूटीफुल मतलब ब्यूटी है इस गेम की। ज्यादातर चेस में कैसा रहता है कि कॉम्बिनेटिव चेस रहेगा, तो उसमें कॉम्बिनेशन कहाँ से शुरू हुआ, वो 4-5 मूव का रहेगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएशंस रहते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, वो Bg4 को कॉम्बिनेशन शुरू हुआ और 12th 12th मूव को मेट हो गया। इतना ऐसे लगता है कि व्हाइट अटैक कर रहा है, पर एक्चुअली एग्जैक्ट काउंटर अटैक होता है। सो पहले क्वीन डी 7,
यस उन्होंने नाइट G5 खेला यहाँ पर टू अटैक F7, सो नाइट H6 डिफेंड किया, और यहाँ से उन्होंने आई थिंक वाइट ने गलत कॉम्बिनेशन खेला, टेक टेक क्वीन टेक्स, और फिर इन्होंने ये मारा एंड आई थिंक यहाँ पे ब्लैक था कि ये मर रहा है और ये भी मर रहा है। सो जब आप ये ऐसी पोजीशन सिखाते हो तो क्या आप अपने स्टूडेंट्स, जैसे आपने यहाँ पे सिखाया प्रिजन में, तो क्या आप बोलते हो कि अब आप सोचिए यहाँ क्या करना है, या आप सिर्फ भाई गेम एंजॉय करने को कैसे आप सिखाते हो? 100% यहाँ पे वही एक गेम दिखाने की वजह ही है कि अभी नॉर्मल चेस जो नया स्टूडेंट या नया प्लेयर है वो रुक बचाएगा, हाँ कौन जो ज्यादा मार्क वाला बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे अलेखाइन King D7 खेलता है, तो ये एक मतलब बहुत ही सुंदर गेम है यार, हम लोग ऐसा उसकी ब्यूटी जो है वो देखने के बाद ही पता चलती है, ऐसा गेम सो इसने मारा यहां पर, और अब वापस ब्लैक ने बहुत बढ़िया मुंह खेला। ये। तो यहाँ अब तक अटैक व्हाइट कर रहा था और ब्लैक डिफेंड कर रहा था, अभी पहला मूव है कि व्हाइट का अटैक शुरू, ब्लैक का अटैक शुरू हो और व्हाइट डिफेंड करेगा करेक्ट, अभी मेट है यहाँ पर, तो नेचुरल मूव F3, अभी। और अगेन ऐसे काफी इम्पोर्टेंट यहाँ पर मूव है एंड उन्होंने ये मार दिया, यस बिशप इनटू और ये टेक्स, एंड आगे ये क्या ही बढ़िया चाल है, क्योंकि अब फिर से मेट का थ्रेट है। सो उनको, अगर और अगर मारते हैं तो ये मर जाता है और फिर ऑफिस ये भी, इक्वल, हाँ इक्वल पोजीशन आएगा और विनिंग फॉर ब्लैक, करेक्ट। व्हाइट का सो कुछ निकलेगा नहीं बाहर। तो D3 खेलते हैं, क्वीन मार देता है, और फिर यहाँ पे एक फाइनल मूव ब्लैक के लिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब सिर्फ क्वीन ही खेल रही है और सारे पीस तो है भी नहीं अटैक में, सही बट बात ये बहुत ही सुंदर मूव, Bishop E7 एंड ये मारने पर Bishop H4। तो ये गेम जब आपने दिखाया उनको, तो क्या उनको ऐसे एक अलग ही चेस का ब्यूटी दिखा रहेगा ना? एग्जैक्टली 11 मूव का कॉम्बिनेशन है ये, अभी हम लोग तो बोलेंगे कॉम्बिनेशन, अभी आले खान के दिमाग में क्या था वो मालूम नहीं हम लोगों करेक्ट। को। सो एक तरह से, मतलब जिस तरह से आपने सिखाया वहां पर एंड गेम्स पे ऐसे क्लासिक्स दिखा के, इट वाज नॉट लाइक कि आप सिर्फ ये टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर रहे हो या ऐसे, बट उनको चेस के लिए एक प्यार जगा रहे थे। एग्जैक्टली टूर्नामेंट के लिए 2 और 3 महीने में क्या तैयारी, और वो मतलब सॉरी, आपका आवाज हम ब्रेक लोग, हो गया बीच में। ओ सॉरी, हाँ दो हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल की तैयारी करने के लिए 3 3 4 4 साल लगते हैं, उसमें 4 महीने में नेशनल की टूर्नामेंट थोड़ी हो सकती है। करेक्ट, सिंपल लॉजिक है। तो मेरी तरफ से जितना ज्यादा देने तब दे सकता हूँ उतना मैं, उतनी मैंने कोशिश की एक्चुअली, क्योंकि क्या था वो 2 घंटे मुझे मिल रहे थे, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थे शुरू में, मतलब वहां पे सिक्योरिटी इतनी टाइट है ना कि हम लोग जब मतलब यू हैव टू गो इन द प्रीमाइसेस, वहां पे पहले जो मेन कंपाउंड है वहां पे पूछताछ करते हैं वो, फिर बाद में एक्चुअल बिल्डिंग का एंट्रेंस गेट वहां पे पूछताछ होती है, वापिस वहां पे एंट्री करके फिर सेकेंड गेट पे झड़ती होती है, मतलब आप कुछ पेन वेन लेके जा रहे हैं या फिर कुछ कॉइन वगैरह है, मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, सिंगल पॉइंट कॉइन भी ले जाना अलाउड नहीं है वहां पे। तो आप सिखाते कैसे तब? किताब से क्या, सिखाना कैसे? किताब से ही सिखा सकते हैं या? हाँ वही वही बता रहा हूँ कि हाँ शुरू में कुछ भी अलाउड नहीं था, अच्छा, शुरू में हम लोग क्या कर रहे थे कि पेपर पे लिख के ले जाते थे, फिर ओ जैसे जैसे उनको हमारा जेन्युइननेस पता चला फिर उन्होंने जेरोक्स अलाउड किया। तो अच्छा, फिर चेजबेस से ये सब गेम्स निकाल के, आज जो सिखाना है उसके सब प्रिंटआउट्स निकाल के ले जा सकते थे, 2 3 कागज जलाओ कर रहे थे वो, तो ऐसे फिर बाद में और मतलब एक 15 20 दिन के बाद और फिर बंच मतलब किताब, एक छोटा सा किताब लेने के लिए अलाउ किया, लेकिन वो सब तकलीफ वाला काम था बहुत। तो ज्यादातर हम लोगों ने जेरोक्स का ही इस्तेमाल किया, मतलब जेरोक्स प्रिंटआउट्स का ही इस्तेमाल किया,
और आज क्या सिखाना है, मतलब मिडल गेम दिखाना है या ओपनिंग दिखाना है, उसके हिसाब से मैं लेके जाता था। और अभी टूर्नामेंट के लिए प्रिपरेशन करना है और ओपनिंग का पता नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो करेक्ट, फिर सबसे मतलब मेरे हिसाब से जो आसान लाइंस है जिसमें वेरिएशंस बहुत लिमिटेड है, वैसे ओपनिंग सिखाया उनको, जो मैं भी खेलता हूँ। मतलब ब्लैक की तरफ से अगर e4, व्हाइट ने किंग पॉन ओपन किया तो e6 प्लेन डिफेंस, और d4 को सेमिस्लाव, तो सेमिस्लाव में अपने 7 मूव्स फिक्स रहते हैं, d4 d5 c4 c6 Nc3 e6 Nf3 Nf6 Bg4, या कुछ भी खेला तो Nb7 Bb7 लॉन्ग कैसल शॉर्ट कैसल सॉरी। तो ऐसे बेसिक्स कुछ चीजें सिखाई, और स्पेशली क्या करा, मतलब जो रेगुलर प्लेयर करते हैं कि 20 में से 10-12 लोग ऐसे थे कि शुरू में ही क्वीन निकाल के लड़ाई को ले, मतलब लड़ाई शुरू करनी, तो वो बंद करने के लिए ज्यादा तकलीफ हो गई होती थी मुझे तो उनको हरा के ही बताना पड़ता था कि ये ऐसे आप खेलोगे तो हारोगे और फिर ऐसा मत करो। धीरे धीरे सब लोग सुधर गए, फिर एक राउंड रॉबिन लिया उनमें से, और उसमें से हम लोगों ने टॉप 6 निकाले। अच्छा, सो जो नेशनल, एक्चुअली इट वाज लाइक दिस ना, कि नेशनल चैंपियनशिप हुआ, जैसे इंडियन ऑयल का परिवर्तन प्रोग्राम था, उसमें 20 प्रिजन्स फ्रॉम इंडिया ट्वेंटी टू खेले, प्रिज 21 ट्वेंटी प्रिज ट्वेंटी वन हाँ एंड उसमें से येरवाड़ा प्रिजन फर्स्ट आया, बराबर करेक्ट। एंड देन दे गॉट क्वालिफाइड टू इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, जहाँ पर थर्ड आए. एंड जब जब वो खेलते थे, क्या उनको ऐसे चेस प्लेयर के जैसे डर लगता था, या उनको ऐसा कोई नर्व्स नहीं होता था अरे जब वही खेलते तो थे? प्रॉब्लम था, मतलब ऑल इंडिया का जो नेशनल चैंपियनशिप था वो 2 दिन का था, और आप जस्ट इमेजिन करो कि हम लोग रेगुलर प्लेयर जो टूर्नामेंट खेलता है तो मतलब एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट, स्टेट लेवल टूर्नामेंट और नेशनल लेवल के लिए प्रिपरेशन करके वो वहां पे खेलने जाता है, और आप इनकी तरफ से देखो कि इन्होंने अब तक कोई एक टूर्नामेंट भी नहीं खेला है और करेक्ट. सीधा उठ के नेशनल चैंपियनशिप तो बहुत ही बुरे हाल थे उनके। अच्छा, वो स्ट्रेस में थे. अरे हाँ हम लोग सब लोग और नॉर्मल कैसा रहता है, समझो अपना डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन भी ले लीजिए आप, कोई टॉप सीड रहेगा वो क्या करेगा, अगर अच्छा पोजीशन आया तो वो थ्रू आउट विन निकालेगा, कुछ गलती नहीं करता। यहाँ पे ऐसा पहले पहले देखा एक अच्छा एक दो पॉन अप है, बाद में देखा एक पीस डाउन है, तीसरी टाइम आके देखा एक एक पीस अप है ऐसे बहुत सीसॉ टाइप गेम्स बहुत ज्यादा हुए हैं इसमें, तो उस वजह से मैंने अंदर देखना ही छोड़ दिया बाद में बाहर आके आराम से बैठना है, और फिर वो एक जो प्लेयर हार के जीत के आएगा वो बताएगा कि ये क्या हुआ है, वो ही मतलब अच्छा लगा मुझे करेक्ट. पर जिस तरह से आपने बताया कि आपने जिस जैसे ट्रेनिंग किया चेस का, सो नाउ दे हैव एक चीज, उनको एक स्किल मिल गया है कि वंस दे कम आउट ऑफ प्रिजन वो शायद चेस सिखा सकते हैं. डू यू थिंक ऑल्सो कि जब वो प्रिजन में रहते हैं, तो ये एक उनको एक एक उम्मीद जैसा रहता है कि यहाँ पर मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, कोई टूर्नामेंट, एक इट गिव्स देम अ फ्रेश होप जैसा कि चेस यहाँ पे क्लास होने वाला है, क्या वो एक्साइटेड रहते थे उस हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, हम लोगों का कोचिंग इज लाइक मतलब फेस्टिवल फॉर देम, क्योंकि कैसा है कोई बाहर से अपने लिए खुद आ रहा है और वो भी हम लोगों के लिए चेस सिखाने आ रहा है, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने बोल के भी दिखाया, मतलब 2-3 प्रिजनर्स सब हम लोगों का वहां पे वेट करते थे, मतलब जो सेकंड गेट है उसके बाहर उनको अलाउ था, तो मेरा टाइमिंग अराउंड 11 to 11:30 के दरम्यान जब भी मुझे छोड़ेंगे तब मैं अंदर पहुंच चुका, ऐसा था, तो वो 10:30 से 11:30 ऐसा ही उन्होंने टाइम बना के रखा था, और वो 18 में से 2 लोग वहां पे हमेशा खड़े रहते थे, वो जो स्पेशली जब लैपटॉप्स इंट्रोड्यूस किए इंटरनेट के, पहले तो मैनुअल था
तो IOCL ने उनको 10-20 चेस बोर्ड दिए है शुरू में, और पूरा किट भी दिया था सबको। तो उस टाइम कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब से नेट इंट्रोड्यूस किया इंटरनेट, तो वहां पे रखना अलाउड नहीं था उनका। मतलब सब नेट डोंगल वगैरह साथ में लेके जाना है, लैपटॉप्स लेके जाना है, तो 5 लैपटॉप्स डोंगल सब वहां पे, मतलब जहाँ पे मेन गेट है वहां से, वो लाइब्रेरी में हम लोग प्रैक्टिस करते थे, वो 1 किलोमीटर दूर है, तो वहां से पैदल जाना है, वहां पे सब सेटिंग करना है, वहां से खेल के वापस सब लेके आना है और मेन ऑफिस में जमा करना है। ऐसा है रोज का प्रोसीजर था। तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत पोलाइट रहते हैं वो, और जो हम लोगों ने सीखा है वो सब शिक्षा कह दी थी, मतलब जिनको कम से कम 5 साल और ऊपर की शिक्षा हुई है उन्हीं कैदी लोगों को, बंदी लोगों को हम लोगों ने सिखाया। जो अंडर ट्रायल्स है उनको, उनका कुछ नहीं, क्योंकि उनका मतलब कभी भी वो छूट के जा सकते हैं, या फिर उनका कुछ प्रोसेस बाकी है, इसलिए उनको कुछ बताया। तो इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। तो दे हैव अभी उनका और टाइम काफ़ी बचा है, जैसे आपने बोला 1 से 2 साल, टोटली 5 साल के लिए वो थे, सो उनका काफ़ी टाइम प्रिजन में जो स्पेंड करने वाले थे। तो ये चेस जो सीखना था, इट वाज लाइक ऐसे कह सकते हैं कि एक स्किल ऐड हो गया यही पीरियड में, जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा होगा। नहीं, उनमें स्किल ऐड हो गया, लेकिन अभी उधर ऐसा माहौल है कि उन्होंने इंडियन ऑयल से 100 चेस बोर्ड्स की डिमांड की है, और अच्छा, उन्होंने कंप्लीट भी की है। मतलब हमारे विद इन हमारे टूर्नामेंट में ही दो ऐसे बंदे थे, मतलब प्रिजनर्स की, एक पेड़ के नीचे वो अपने ही इसमें फोकस कर, मतलब खेल रहे थे, उनको उनका किसी की तरफ ध्यान नहीं था। हम लोग अपने, हमारे टीम के बाहर वाले लोग, तो इतना अच्छा माहौल वहां पे अभी क्रिएट हुआ है। और चेस क्या है, मतलब बाकी खेल अभी ये जो जब शुरू किया था तब कैरम और वॉलीबॉल भी था, लेकिन वहां का रूल ऐसा है कि कैरम वॉलीबॉल कुछ भी इंस्ट्रूमेंट रहा तो वो अंदर अलाउ नहीं है, क्योंकि किसका दिमाग कैसे चलेगा और क्या हो सकता है, या फिर कुछ कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो चेस का वैसा नहीं है, वो ऐसे पतले से प्लास्टिक वाले पीसेस है, उसमें से कुछ हानि होने वाली नहीं है अगर कुछ मारामारी हुई। तो उन्होंने चेस अलाउ किया है उधर। वाह, और दूसरी चीज ऐसी है कि पूरा दिन वहां पे काटना रहता है, तो खाली दिमाग में क्या आएगा, फिर वो इकट्ठा होते चर्चा करती है, और वो चर्चा उसमें, मतलब पहले ही क्रिमिनल थिंग्स ही उनकी चर्चा में रहता है। तो चेस उनके लिए इतना सुंदर का साबित हो रहा है कि अभी उनको चेस के ही सपने पड़े, जो अपना वो बीच में पिक्चर आया था ना वो क्वींस गैम्बिट के जैसे ऊपर ऐसे दिख रहा था तो वैसे। वो सब लोगों ने मुझे बोल के दिखाया, सर अभी हम लोगों को सपने में भी चेस दिख रहा है, तो बड़ा अच्छी बात है। अमेजिंग। और आपके हिसाब से ये जो चेस इन प्रिजन्स एक प्रोग्राम है जिसका आई थिंक AICF, इंडियन ऑयल, ऑल्सो फिडे ने जो ये किया है, ये इसका क्या फ्यूचर हो सकता है? मतलब इनमेट्स जो भी जो बंदी तन है उनको सुधारने के लिए बहुत अच्छा टूल साबित हो सकता है। सिंपल है, जो अच्छी तरह से चेस खेलेगा उसके दिमाग में चेस के सिवा कुछ आएगा नहीं उधर, क्योंकि वो दिन में उनका कैसा है कि उनको कुछ काम कर देते हैं वो, उसका उनको पगार भी मिलता है, लेकिन बाकी जो खुला टाइम है उसमें क्या करेंगे, उसके उसमें जो चेस के सिवा कुछ कर नहीं सकते। तो एक बार आदत लग गई चेस खेलने की, तो आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है क्या हाल होते हैं अपने, तो वो बहुत अच्छा साबित होगा। मतलब इसी टाइम फिडे का सिस्टम, मतलब उनको सब वाइंड अप करने के लिए बहुत दिक्कत हुई मेरे हिसाब से, जैसा 86 टीम्स थे ऑल ओवर वर्ल्ड और 46 कंट्रीज, तो अपने ये भारत में खाली 21 जेल्स में से पार्टिसिपेशन हुआ था। मेरे मुझे जो मालूम है उसके हिसाब से IOCL ने 37 जेल्स में अप्रोच किया था,
अभी ये जो चैंपियनशिप और इंडिया या फिर येरोडा को थर्ड प्राइज मिला, उसकी वजह से इनको जो एक्सपोजर मिल रहा है वो बहुत सुंदर तरीके का, मतलब बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिल रहा है। उसकी वजह से मे बी रिवोल्यूशन आ सकता है चेस का हर एक प्रिजन में। और आप देखोगे नेक्स्ट ईयर तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि चेस की वजह से कितना अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है। अमेजिंग, क्या बहुत ही बढ़िया आपने कहा, और आपने इतना सारा टाइम दिया है ये प्रोजेक्ट में, सो यू आर द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स इट द बेस्ट, क्योंकि बहुत लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, बट आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। एंड जस्ट एक दो पिक्चर्स आपके साथ देखना चाहता था, ये एक आई थिंक मीटिंग टूर्नामेंट के पहले का एक जूम कॉल है, इसमें हम देख सकते हैं कि AICF के जो सेक्रेटरी थे वो पॉइंट पे भरत सिंह जी है, फिर डाना राइजनीश है, फिडे मैनेजिंग डायरेक्टर, देन पद्मिनी राउत भी है, सो आई थिंक मैनी बहुत सारे प्लेयर्स भी इसमें जुड़ सकते हैं, टॉप प्लेयर्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब नेक्स्ट टाइम आपको बिल्कुल आश्चर्य नहीं लगेगा कि हर एक टीम जो रहेगी वो किसी IM या GM को कोच बनाएगी, मतलब उतना होने ही वाला है। क्योंकि इट विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, मतलब सबको जीतना है। हम लोगों ने थर्ड प्राइज मिलाया, हमारा मतलब निकल गए करेक्ट। किसी को अंदाजा एंड नहीं था आगे जाएगा, लेकिन हो गया। ये एक जगह है जहां पर प्रैक्टिस होता था। ये लाइब्रेरी एरिया था उनका और उसके बाहर ही, लेकिन मतलब शुरू में बहुत क्या था, उनको मालूम नहीं था कि चेस कैसे, चेस की वजह से क्या होगा कैसे होगा। तो 10 लोग ही हम लोगों को देते थे वो सिखाने के लिए। तो शुरू में जब अभिजीत ने बोला था कि आप तो, मतलब उसने मुझे कॉल किया था कि कोई कोच रहेगा जो जेल में जाके पढ़ाएगा, तो देख मुझे लगा कि जेल में जाके पढ़ाएगा तो मैं ही जाता हूँ अंदर क्या है वो तो दिखने को मतलब दिखेगा, तो इसलिए मैं राजी हुआ था। और उसने बोला कि एक एक 1.5 घंटा जाके पढ़ा के आया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ज्यादा नहीं कुछ करना है। तो उस टाइम शायद दिवाली वेकेशंस थे या कोविड का माहौल था, इसलिए स्कूल्स वगैरह सब बंद थे, तो उस टाइम कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब शुरू करने तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। शुरू करने के बाद उन्होंने 2 घंटे का एक सेशन और ऐसे 2 सेशंस, मतलब 4 घंटे वहां पे, और घर से वहां तक पहुंचने का 1 घंटा, बाहर से वापिस उधर से घर पहुंचने का 1 घंटा, तो 6 घंटे का टाइम निकल के जाना पड़ा। तो अमेजिंग, और ये सब जो आपने किया, आई थिंक उसके लिए ये एक मेमोरी बहुत ही बढ़िया, जिस तरह से ये लेटर ऑफ अप्रिसिएशन फिडे प्रेसिडेंट से और कुक काउंटी शेरिफ जिन्होंने साथ मिलके ये ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने लिखा है कि वी सिंसियरली थैंक यू फॉर बीइंग द गेस्ट ऑफ ऑनर इन द इवेंट एंड योर काइंड अग्रीमेंट टू शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद एवरीवन, वी डीपली बिलीव दैट वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सच एज योर्स आर ऑल्सो इंस्पिरेशनल एंड कुड मोटिवेट एक्सपांडिंग द एग्जिस्टिंग चेस इन प्रिजन्स इनिशिएटिव एंड लॉन्चिंग न्यू वंस। सो आई थिंक उन्होंने ये एकदम ठीक से कहा है कि आपने जो काम किया है उसके वजह से ये प्रोग्राम और बड़ा हो सकता है, एंड आई थिंक केतन कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको एंड आपकी टीम को जिन्होंने सिखाया यहाँ पर, एंड ऑल्सो येरवाड़ा जेल के प्रिजनर्स को जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इंडिया के लिए, सो थैंक यू। यस थैंक यू, वेलकम।